जैसे इसका चेन बनाओ तो ये 1 2 3 तो ये हो गया 2 मिसाल के तौर पे, यहाँ चेन बनाओ 1 2 3 4 या 1 2 3 4 तो जाएगा 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेन। इसको देखो तो 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी जाओ तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 तो यहां से नंबरिंग दोगे 1 2 3। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नंबरिंग के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 पे 1 लगा तो 3 मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 7 तो यहां से नंबरिंग दोगे 1 2 3 तो 2 3 डायमिथाइल हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 दोगे तो 3 3 डायमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी जाओ दोनों को डबल बॉन्ड को 2 ही नंबर मिलेगा तो ब्यूट 2 ई 1 2 1 3 4 5 1 2 3 तो इधर से जाओ यहां से नंबरिंग कम मिलेगी 1 2 3 तो 1 2 3 तो 2 पे मिल रहा है आपको पेंटेन पेन 2 इन और 3 पे आपको मिल रहा है मिथाइल तो 3 मिथाइल पेन 2 इन 1 2 3। अब देखो यहां पे ये जो दिखा रखा है ये सी एस थ्री को दिखा रखा है तो ये कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं, यहाँ पे आप इसे सी एस थ्री लिख सकते हो सिंपल। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का पूछा तो यू टू आई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ होमवर्क आपने उन्हें सही करा होगा, अगर सही करा तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है हमारा कीटोन। तो कीटोन में होता है क्या है, बेसिकली एक कार्बन है और उसमें आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी अटैच है। तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका है और यहाँ पे एक एच और एक एच लगा दो, ठीक है, तो ये कीटोन ग्रुप तो हो जाएगा, बट क्या ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है सी एच ओ, ठीक है, तो ये उसके फेवर में नहीं आता। तो कीटोन जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है कम से कम प्रॉप से, ठीक, वो कहता है इधर भी एक कार्बन लगाओ और इधर भी एक कार्बन लगाओ, या कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ आर होगा तो यहाँ पे आर डैश लिख रखा होगा कि यहां भी कोई एडिशनल होना चाहिए कार्बन, यहां भी एडिशनल, तो यहां पे अगर आप लगाते हो तो ये तो एक्चुअल में इस पे कितने है? देखो 2, तो इसको बोलते हैं 1 2 3 तो प्रॉप ओन, ठीक है, या प्रॉप 2 ओन कर सकते हो इसे, ठीक है। इसका कॉमन नेम अगर मैं बोलूं तो डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे C2H5 है, ये C डबल बॉन्ड O के साथ है और यहाँ पे भी C2H5 है, बताओ इसका नाम क्या होगा, कितने आ गए, C2 मतलब ये इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है, CH2 सही है। तो ये दोनों चीजें आपकी नॉर्मल है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएगा पेन 2 ओन, नहीं बल्कि 3 सॉरी, ठीक है। बट अगर आप इसको लिखना मांगते हो तो इसमें आप लिखोगे डाय इथाइल कीटोन, इसका कॉमन नेम है, ये उसका फंक्शनल नेम है, IUPAC नेम, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा बैलेंस नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तब क्या करोगे, वैसे आता बहुत कम है बट अगर ऐसा आया 1% चांस बताओ, तो यहां पे आपको नेमिंग में स्ट्रक्चर को वही देखना पड़ेगा कि यहां पे मान लो C2 का मतलब 2 कार्बन, yes. समझ में आ रहा है, तो यहां 1 2 तो क्या हो जाएगा 4 तो ब्यूट 2 ओन, ब्यूट 2 ओन, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, 1 को ओन ही पढ़ेंगे भाई, 1 मत पढ़ना है। अब अगर इसके कॉमन नेम पे बात करेंगे तो यहाँ पे इथाइल है वहां मिथाइल है, इथाइल मिथाइल लेफ्ट राइट, ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन सही है, तो कुछ इस तरीके से इसका कॉमन नेम जाएगा।
ठीक है, कीटोन बहुत रेयर फंक्शनल ग्रुप है, बट अगर आया तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से होता है, तो मैंने बता दिया दोनों तरीके से। इसके बाद लास्ट पढ़ेंगे ईथर। अब देखो इसमें एक मजेदार बात जो ये सीखने की है, कार्बोक्सिलिक अगर आपको याद हो तो सी डबल बॉन्ड ओ एच एक दो, याद है ऊपर नीचे एच और फिर यहाँ ऊपर नीचे इधर एच। इसका जरा ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना क्या है, सी एक दो तीन एक एक दो तीन चार पांच एच फाइव सी एच ओ, ये होगा ऊपर वाले का देखना। अगर यहाँ पे आप एच लगा दोगे एच थ्री कितना हुआ टोटल एच सिक्स, इसमें और इसमें फर्क क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है, समझ में आया। तो कार्बोक्सिलिक और कीटोन काफी हद तक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को होल्ड करते हैं, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। क्लियर है? यस नोट डाउन। इस वाले में बेटा यहाँ पे सी टू कर लेना, ये क्या है सी टू एच फाइव सी एच ओ, या अगर जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखना है तो सी थ्री एस सिक्स ओ, जो इसका होगा सी थ्री एस सिक्स ओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट ऑब्वियसली दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, जिसकी वजह से दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। चलो आज लास्ट करते हैं ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप्स में लास्ट है। ईथर में बीच में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन ब्रिजेस है, ये कार्बन के चेन है। जैसे ये वाला मैंने लिखा है सी एस थ्री इधर है सी एस थ्री इधर है, तो इसे हम कॉमन नेम में बोलेंगे डायमिथाइल ईथर। असल में इसका जो आईयूपीएसी नेम है, इसमें जो मेन चेन है उसके साथ इसको जोड़ दो और ओ एक्स वाई ऑक्सी, तो मैथ ऑक्सी मीथेन, मैथ ऑक्सी मीथेन। क्लियर है? yes, इसको देखो अगर मैं इसका नेम वैसे बोलूं तो इसका सिंपल सा नेम है, यहाँ पे इथाइल है, सॉरी मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, कौन पहले आएगा तो इथाइल, इथाइल मिथाइल इथर, ठीक है। अगर ये कॉमन आईयूपीएसी नेम ही होगा तो इसको इसके साथ जोड़ोगे, यानी ये क्या हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन एन, ठीक है मेथॉक्सी इथेन। क्लियर है? ऐसे और भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जोड़ लू और यहाँ पे C2H5 जोड़ लू और यहाँ भी C2H5 जोड़ लू, तो ये डाई इथाइल इथर हो गया। नेम की बात जोड़े तो ये एस ऑक्सी ईथर, समझ में आ रहा है? yes, ये बता रहा है ईथर है, ऑक्सी बता, ठीक है हाँ ठीक है। तो इसका अगर मैं पहले उसकी बात करूं तो ये बताओ ये क्या है, इसका देखो C2S6O, फिर से वही yes, जो भी आपने देखा था, ठीक हाँ। है अगर आप इसको उससे मिलाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H8O, तो कई जगह पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कॉमन नेम मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, स्ट्रक्चर की वजह से वो काफी हद तक डिफरेंट हो जाएगा। और ईथर की एक खास बात है, ईथर एक खुशबू देती है, यानी खुशबू वाली स्मेल देती है, तो कभी भी जब भी ईथर फॉर्म होगा, ये खास तौर पर होता है जब ईथर फॉर्म होता है, वो काफी एक प्लेजेंट स्मेल देता है, फ्लावरिंग जैसी स्मेल देता है, तो उससे आप याद रख सकते हो। अभी यहाँ पे हमारी आईयूपीएसी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो एटलीस्ट हमारे ओवर हो गए हैं। अब जो हम सीखेंगे वो होगा नेम से स्ट्रक्चर बनाना। अभी मैंने काफी प्रैक्टिस कराई है कि नेमिंग अगर होगी स्ट्रक्चर होगा तो नेमिंग कैसे होगी। अब फिर अब होगा स्ट्रक्चर, मतलब नेमिंग गिवन है उससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक क्लास और है उसके बाद नेमिंग पूरी तरीके से कंप्लीट है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में बता सकते हो, जिससे हम उस पर वर्क करें। क्लियर? सो पॉजिटिव नोट।